हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब 2.0 पर। दोस्तों तो आज हम फिर से दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन के साथ उपस्थित है। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा तो कि यहाँ पे आज हम वित्त विभाग द्वारा लगभग 116 पदों से भी अधिक यहाँ पे भर्ती विज्ञापन के लिए स्वीकृति मिल चुका है, उसके संबंध में जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं दोस्त। साथ में यहाँ पे PGDSA जैसे पास कैंडिडेट के लिए भी जो है महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले विज्ञापन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंह देवकन्या महाविद्यालय जसपुर जिला के लिए जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, जिसमें कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि दोस्तों देख सकते हैं महिला वर्ग के लिए केवल एक ही पोस्ट यहाँ पे रिक्त है, जिसमें कि यहाँ योग्यता बोला गया है कि न्यूनतम जो है 55% अंक के साथ जो है MPED और नेट या फिर सेट यहाँ पे बोला गया है। उसी प्रकार है PGDCA के लिए, जिसमें कि न्यूनतम इसमें भी 55% यहाँ पे बोला गया है। और साथ में दोस्तों MC या फिर MSc CSE या फिर MSc IT यहाँ पे बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम जो है 50% यहाँ पे बोला गया है। चयन हेतु निर्धारित मापदंड देख सकते हैं, यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम जो है 100 अंक रहेंगे और इसका मापदंड जो है दिए गए निम्नानुसार यहाँ पे होगा। तो जैसे कि अगर आपके पास PhD तथा नेट सेट आपका क्लियर है तो आपको 50 में अंक मेरिट अंक इसमें दिया जाएगा। PhD के लिए भी 25 मेरिट अंक इसमें दिया गया है। नेट सेट के लिए जो है 20 अंक, MPhil के लिए जो है 5 अंक मेरिट लिस्ट इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। उसी प्रकार है अगर आप PG स्तर पर प्राप्त अंकों के लिए बात करें तो देख सकते हैं 55 के लिए जो है 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक में 1% के लिए 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इसके इच्छुक है, अभ्यर्थी दिनांक 19 सितंबर 2022 तक अपना बायोडाटा पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय के पत्र पर भेजे अथवा स्वयं करें। ईमेल मानदेय की बात करें तो 8,000 प्रति माह होगा। जनभागीदारी समिति के निर्णय अनुसार जो है मानदेय में परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो है मानदेय बढ़ाया भी जा सकता है दोस्त। और आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर ऊपरी भाग पर जो है जनभागीदारी शिक्षक हेतु आवेदन पत्र के साथ विषय का नाम लिखना अनिवार्य होगा। PDF का डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यहाँ पे 15 सितंबर 2022 को यहाँ पे यह विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और सारंग भिलाईगढ़ के लिए जो है यहाँ जो नवीन जिला यहाँ पे बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एवं सारंगल भिलाईगढ़ में जिला प्रशासन एवं कलेक्टर के पदों का सृजन यहाँ पे होने के लिए जो है वित्त विभाग ने यहाँ पे स्वीकृति दे दिया गया है, जिसमें कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और सारंगल के लिए जो है जिला प्रशासन की 43 एवं कलेक्टर के जो है 15 पद निम्नानुसार यहाँ पे सृजित करने के लिए जो है स्वीकृति यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। तो इसमें जो है अलग अलग पदों पर जो है यहाँ पे वैकेंसी जारी होने वाला है, तो इसके लिए आप अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वित्त विभाग से यहाँ पे यह जानकारी मतलब स्वीकृति मिल चुका है, तो ये पद तो आना यहाँ पे कंफर्म ही है। तो आप अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको बाद में जब ये पद के लिए वैकेंसी जारी हो तो तब आपको जो है इसके लिए तैयारी करने में कोई भी कठिनाई ना हो दोस्तों। तो अभी आप ऐसा मत सोचिए कि यह विज्ञापन नहीं आया तो हम तैयारी नहीं करेंगे, आप अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। तो कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, स्टोनोग्राफर वर्ग 1, सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए भी है, स्टोनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, दफ्तरी, माल जमादार, अर्दली, चौकीदार, भृत्य, फर्राश, असंकालीन स्वीपर के लिए जो है 46 पदों पर भर्ती होने वाला है। तो देख सकते हैं उसी प्रकार है कलेक्टर के पदों के लिए भू अभिलेख शाखा के लिए बोला गया है कि अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, राजस्व निरीक्षक, मानचित्रकार, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, अनुरेखक और भृत्य के लिए जो है 15 पोस्ट जारी होगा। इस प्रकार से जो है दोस्तों 100 से भी अधिक पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती होना निश्चित ही है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इसमें जो है दोस्तों 5वीं पास से लेकर जो है स्नातक स्नातकोत्तर पास तक के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो यही पद है दोस्तों, तो आप अपना तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए,
जो और यह विज्ञापन भर्ती विज्ञापन आना निश्चित ही है। इसके लिए आप वेट मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यह वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति मिल चुका है, और वित्त विभाग द्वारा जब स्वीकृति मिलता है तो वो पद आना निश्चित ही कंफर्म हो जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, तो यही अपडेट देना था दोस्तों आपको। तो इसी प्रकार से और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।